चलिए हाँ, स्वास्थ्य पढ़ना शुरू करते हैं। कल मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था कि हाइड्रोकार्बन आप जो बर्न करते हैं वो सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड, अगर येलो फ्लेम के साथ बर्न होंगे तो सैचुरेटेड होंगे, सॉरी अनसैचुरेटेड होंगे, और ब्लू फ्लेम के साथ बर्न होंगे तो सैचुरेटेड होंगे। चलिए पढ़िए बच्चा, बच्चों, बर्निंग ऑफ सब्सटेंस विद विदाउट फ्लेम, विद और विदाउट फ्लेम, पढ़िए द फ्यूल्स। सर स्वास्थ्य कहाँ से पढ़ना है? बढ़िया यहां से, बर्निंग ऑफ सब्सटेंस विद एंड विदाउट फ्लेम। सर, बर्निंग ऑफ सब्सटेंस विद और विदाउट फ्लेम। द फ्यूल्स विच आर वेपराइज्ड वेपराइजेबल कैन बी कन्वर्टेड टू वेपर्स बर्न विथ फ्लेम। फॉर एग्जाम्पल, कैंडल, पेट्रोल, नैप्थलीन बर्न विथ फ्लेम। द फ्यूल्स विच डू नॉट वेपराइज बर्न विदाउट फ्लेम। फॉर एग्जाम्पल, कोल कोल बर्न्स विदाउट फ्लेम। हाँ, कोयले को आपने जलते देखा होगा बच्चों, कोयला जब जलता है ना तो कोई फ्लेम नहीं देता है, एक तरीके से वो बिल्कुल बिखर करके जलता है कोयला, एकदम फैल फैल करके जलता है, वो फ्लेम नहीं देता है। मगर कुछ जो कंपाउंड होते हैं जो वैपोरेट होते हैं, वो जो ऐसे फ्यूल जो वेपराइजेबल होते हैं वो फ्लेम के साथ जलते हैं, और जो वेपराइजेबल नहीं होते हैं वो विदाउट फ्लेम जलते हैं। चलिए पढ़िए, येलो कलर ऑफ कैंडल फ्लेम। येलो कलर ऑफ कैंडल फ्लेम। व्हेन वैक्स इज हीटेड इट मेल्ट्स एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर्स। इन कैंडल्स देयर इज नो प्रोविजन फॉर द प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ वैक्स वेपर्स एंड एयर, सो इनकम्प्लीट कम्बशन अकर्स। ऑल्सो स्मॉल अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स आर प्रोड्यूस्ड विथ राइज एंड गेट हीटेड एंड ग्लो टू गिव आउट येलोइश लाइट। तो यहाँ पर इसके येलो कलर के होने का रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ पर जो है मिक्सिंग ऑफ वैक्स वेपर्स सो एंड एयर सो कंप्लीट कम्बशन, कह रहा है कि प्रॉपर मिक्सिंग जो है, नो प्रोविज़न फॉर द प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ वैक्स वेपर एंड एयर, तो वैक्स वेपर और एयर की प्रॉपर मिक्सिंग नहीं हो पाने की वजह से, ओके, नो प्रोविज़न, यहाँ से लाइन अंडरलाइन करिए, नो प्रोविज़न फॉर मिक्सिंग ऑफ प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ वैक्स वेपर एंड एयर, सो इनकम्प्लीट कम्बशन अकर्स, डन। चलिए पढ़ो, ऑल्सो स्मॉल अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स। Also, small unburnt carbon particles are produced which rise and get heated and glow to give out yellowish light. यस, तो अनबर्न्ड कार्बन होता है, अनबर्न्ड कार्बन कोई नुकसान ही करेगा, इस वजह से येलोइश लाइट जो होती है अनबर्न्ड कार्बन प्रोड्यूस होते हैं उनकी वजह से भी होती है। तो ये हो गई बच्चों हमारी कौन सी रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन आपने देख ली, और देखा कि कंबशन रिएक्शन में मेनली जो है कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब देखेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो आपने देखा था कि कंबशन भी ऑक्सीजन का जुड़ना ही होता है, और अब यहाँ देखते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है। पढ़िए बेटा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। कार्बन कंपाउंड्स गेट इजीली ऑक्सीडाइज्ड ऑन कंबशन। हाँ, तो अगर आप कि मतलब ऑक्सीडेशन जो मतलब ये कह लीजिए कि कंबशन इज अ टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन, मतलब सारे कंबशन ऑक्सीडेशन होते हैं मगर सारे ऑक्सीडेशन कंबसन नहीं होते हैं। एक कॉपी में लिख लीजिए, ऑल कंबशंस आर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, तो जितने भी कंबशन होते हैं वो ऑक्सीडेशन होते हैं, ऑल कंबशंस आर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। डन ऑल कंबशंस आर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, मतलब जितने भी कंबशन होते हैं वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होते हैं, मगर सारे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कंबशन रिएक्शन नहीं होते हैं, ठीक है ना? मतलब हर कोई चीज़ अगर बर्न होती है तो इसका मतलब वो ऑक्सीडाइज होती है, मगर हर चीज़ ऑक्सीडाइज होती है इसका मतलब वो बर्न नहीं होती है। जैसे कि लोहे में जंग लगना एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, बट इसका मतलब ये नहीं कि लोहा जल के राख हो जाएगा। लोहे में जंग लगना ऑक्सीडेशन है, इसका मतलब बर्निंग नहीं है, ठीक है ना? बट जो भी बर्निंग है उसका मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन वहाँ पे प्रेजेंट होगा। चलिए तो अब पढ़ते हैं आगे। पढ़ो बेटा, ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। कार्बन कंपाउंड्स गेट इजीली ऑक्सीडाइज्ड ऑन कंबशन। मीथेन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। हाँ बच्चों, ये रिएक्शन लिख लें, कभी भी आकर अगर मीथेन को बर्न करते हैं यानी कि नेचुरल गैस को बर्न करते हैं तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, है ना? ओके, एंड
आपको क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन देखिए, सीधा सीधा कार्बन में ऑक्सीजन का ऐड हो गया है, तो ये पार्ट आपको ऑक्सीडेशन दिखा रहा है, किसका, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और यार ये कह लीजिए कि यहाँ पर कार्बन ऑक्सीडाइज हो गया है। नोट कर लीजिए बच्चों ये रिएक्शन। अब कुछ रिएक्शंस आपको याद करनी पड़ेंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनता है बच्चों, अगर एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो याद रखिएगा, एल्कोहल को क्या हम क्या बोलते हैं आईयूपीएसी में, एल्कोहल को आईयूपीएसी में, इस एल्कोहल का नाम है इथेनॉल, इथेनॉल है ये, और ये इथेनॉल का ऑक्सीडेशन जो होगा, इथेनॉल के ऑक्सीडेशन से बनेगी इथेनोइक एसिड। ओके, इथेनोइक एसिड मतलब कि विनेगर भी बोलते हैं इसको, एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। तो ये रिएक्शन भी आप लोग लिख लीजिए, और यहाँ पर इस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए आपको एक एक्स्ट्रा चीज लगानी पड़ेगी, एक एक्स्ट्रा केमिकल देना पड़ेगा, दैट इज़ कॉल्ड एल्कालाइन KMnO4। एल्कालाइन का मतलब होता है बेसिक सॉल्यूशन, आप लोग कॉपी में लिख लें, एल्कालाइन का मतलब होता है बेसिक सॉल्यूशन, एल्कालाइन का मतलब होता है वाटर सोल्यूबल बेस। यस, तो वाटर सोल्यूबल बेस यानी एक तरीके से बेसिक सॉल्यूशन, बेसिक एक्वस सॉल्यूशन जो होगा वो कहलाएगा एल्कालाइन, और एल्कालाइन में आपको KMnO4 को बोलते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट, उसको आपको दोगे तो वो क्या बन जाएगा, एल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ओके। डन सर, प्लीज स्क्रॉल अप एंड टू राइट। यस बेटा, डन सर, ओके। चलिए अब इसके आगे आते हैं, अब देखते हैं बच्चों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूट कब होता है, जैसे आपने मैच में देखा हो, क्रिकेट मैच में, कि एक खिलाड़ी मैदान के बाहर चला जाता है और उसकी जगह दूसरा खिलाड़ी मैदान के अंदर आ जाता है। ओके, मतलब एक चीज़ मैदान से हटेगी और दूसरी चीज़ मैदान के अंदर आ जाएगी, तो इसको बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूशन। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो आप देखने वाले हैं, तो उस रिएक्शन में देखिए क्या होता है, जैसे ये हमें परफॉर्म करके बताता हूँ, यदि ये रिएक्शन देखी जाए तो ये क्या है, CH4 है और ये Cl2 है। ओके, CH4 को कंडेंस फॉर्म में ये लिखा हुआ है CH4 एंड ये Cl2। तो देखिए ध्यान से, एक हाइड्रोजन यहाँ से बाहर चला जाएगा और उसकी जगह क्लोरीन यहाँ पर अटैक कर जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH3Cl, और ये क्लोरीन जो था, जो बचा हुआ था, उसके साथ आके हाइड्रोजन चिपक जाएगा तो बन जाएगा HCl। बोलो आ गया समझ में? यस सर। यस, तो इस तरीके से रिएक्शन होती है, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर आपने एक बार सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म किया है, फिर एक बार और लड़ाई करवाई, ओके, फिर एक बार और लड़ाई करवाई, फिर एक बार और लड़ाई करवाई, तो आपने यहाँ पर चार बार सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पर आपने चार बार सब्स्टिट्यूशन शो किया है। चलिए पढ़िए स्वस्ति, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, द रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स ऑफ हाइड्रोकार्बन आर रिप्लेस्ड बाय सम अदर एटम्स आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। मीथेन प्लस क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट गिव्स CH3Cl प्लस HCl। ओके, ठीक है ना, तो CH3Cl प्लस HCl बन गया है, ये इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर है। बच्चों ध्यान देखिए, अगर आप CH4 प्लस Cl2 को करते हैं तो एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा पहले, तो CH3Cl हो जाएगा, बट यदि इस रिएक्शन को आप कंटिन्यू रखते हैं, एक बार और क्लोरीन देते हैं, तो CH2Cl2 बन जाएगा और HCl रिप्लेस हो जाएगा। अगर कंटिन्यू रखते हैं तो CHCl3, जिसे हम कहते हैं क्लोरोफॉर्म, ओके, बेहोश करने वाली दवाई, और प्लस HCl, और अगर यदि हम इसको रिएक्शन को और ज़्यादा रखते हैं तो बन जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट बन जाएगा, मतलब चार बार। अच्छे से बताइए, बोलिए ये चारों रिएक्शन आपको क्लियर है कि नहीं है? यस सर।
क्लियर सर। ओके समर्थ क्लियर है? समर्थ क्लियर है? यस सर क्लियर है। ओके बेटा चलिए देखिए, द रिएक्शन आर शोन आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये रिएक्शन बच्चों कॉपी में नोट करिए कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ ही आप रिएक्शन देख सकते हैं। कौन सी? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ ही होती है। प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज नेसेसरी फॉर दीज रिएक्शंस ओनली। ओके इन रिएक्शंस के लिए, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए सनलाइट का प्रेजेंट होना जरूरी है, मतलब ये सनलाइट की प्रेजेंस में होती हैं। क्लियर क्लियर बच्चों, अच्छे समझ में आया कि नहीं आया? डन ओके। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों एडिशन रिएक्शन की। एडिशन रिएक्शन पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि एडिशन रिएक्शन कौन देता है। तो बच्चों याद रखिएगा एडिशन मतलब किसी चीज़ का आकर के जुड़ना। अभी तक आप क्या देख रहे थे? अभी तक आप देख रहे थे कि एक चीज़ बाहर जाती है और एक चीज़ अंदर जाती है, बट एडिशन रिएक्शन में ऐसा नहीं होगा। एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल ले लीजिए इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 आपको मैंने पढ़ाया था, ये है इथीन। इथीन तो यदि आप यहाँ पर इसमें हाइड्रोजन जोड़ना चाहते हैं तो क्या होगा? ध्यान से देखिए, अगर ये जो डबल बॉन्ड है, अगर CH2 और CH2 अगर डबल बॉन्ड टूट जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है। एक इलेक्ट्रॉन यानी मतलब ये बॉन्ड अगर आप ब्रेक कर दो, इस बॉन्ड को जो पहले बॉन्ड था इसको ब्रेक कर दोगे तो इसका मतलब एक वैलेंसी CH2 के पास खुलेगी और एक वैलेंसी CH2 के पास खुलेगी। यस और ये जो हाइड्रोजन आपने ऐड किया है आप यहाँ पर ला करके जोड़ दीजिए। अगर यदि आप यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं तो ये बन जाएगा CH3 बॉन्ड CH3 जिसका नाम होगा इथेन। समझ में आया बच्चों? क्या बन गया? इथेन बन गया। क्या बन गया? इथेन। क्लियर है? इथेन। यस यस सर एग्जैक्टली। तो आपके पास पहले क्या था? आपके पास था इथीन और इथीन में आपने हाइड्रोजन को ऐड कर दिया। देखो कुछ रिप्लेस नहीं हुआ है, बल्कि पहले 4 हाइड्रोजन थे अब 6 हाइड्रोजन हो गए, 2 हाइड्रोजन जा करके अटैक करके ऐड हो गए तो आपका बन गया इथेन। और ये जो प्रोसेस कहलाती है बच्चों इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजनेशन, क्योंकि हाइड्रोजन जुड़ गया है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। और हाइड्रोजनेशन से क्या होता है? अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में बदला जाता है। बोलिए क्लियर हुआ? यस सर। ओके यस। अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बदला जाता है। ये देख लीजिए यहाँ पर एल्कीन था, एल्कीन को एल्केन में बदल दिया गया। एल्कीन के नाम पर यहाँ पर कौन खेल रहा है? यहाँ पर इथीन है और बदलने के बाद ये क्या बन जाएगा? इथेन। पढ़िए स्वस्ति एडिशन रिएक्शन। द रिएक्शंस इन विच एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंबाइंस विद अदर सब्सटेंसेस टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। एल्कीन प्लस हाइड्रोजन गिव एल्काइन, एल्कीन प्लस हाइड्रोजन गिव एल्केन। एग्जैक्टली। ओनली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कैन शो एडिशन रिएक्शन। The reaction is named according to the name of substance added to unsaturated hydrocarbons. Yes. The reaction is named according to the name of substance added. तो इस तरीके से यहाँ पे अगर आप हाइड्रोजन ऐड करोगे तो वो नाम बन जाएगा हाइड्रोजनेशन, अगर आप क्लोरीन ऐड करोगे तो वो नाम बन जाएगा क्लोरीनेशन। ओके हाँ पढ़ो। For example, if hydrogen reacts with unsaturated hydrocarbons, the reaction is called hydrogenation. If chlorine reacts with unsaturated hydrocarbons, the reaction is called chlorination. Yes, तो ये कहलाएगा chlorination. आइए देखते हैं hydrogenation का example. पढ़िए बेटा hydrogenation. When unsaturated hydrocarbons react with hydrogen in presence of nickel, platinum or PD, they get converted into saturated hydrocarbons. यस एग्जैक्टली। वेजिटेबल ऑयल। हाँ यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे ये जो एल्कीन होता है वो वेजिटेबल ऑयल हुआ करते हैं। जो एल्कीन आपके पास यहाँ पे दिख रही है, कार्बन कार्बन में यहाँ पर बड़े बड़े ग्रुप जुड़े हुए हैं एल्किल के, ये एल्कीन है। ओके जब आप इसको हाइड्रोजन से ऐड करेंगे, एक सेकेंड बच्चों,
जब आप इसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे बच्चों, ओके, ये क्या है, निकल है, ये प्लैटिनम है और ये पैलेडियम है, ओके। जब आप इनकी प्रेजेंस में अगर आप हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो गया है। पहले ये क्या था, पहले ये वेजिटेबल ऑयल था, ओके, पहले ये वेजिटेबल ऑयल था, अनसैचुरेटेड फैट, ये था अनसैचुरेटेड फैट। अब ये वेजिटेबल घी बन गया है जिसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड फैट, ओके। तो ये वेजिटेबल ऑयल था पहले, ओके, वेजिटेबल ऑयल अनसैचुरेटेड फैट, और अब ये बन चुका है वेजिटेबल घी, दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड फैट। तो अनसैचुरेटेड फैट को सैचुरेटेड फैट में बदलने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, हाइड्रोजनेशन का। नोट कर लीजिए बच्चों ये रिएक्शन, डन। 1 सेकेंड सर। डन सर। ओके, चलिए अब बात करते हैं इम्पॉर्टेंट कंपाउंड जो हमारी जीवन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ओके, कॉमर्शियली इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, जो हमारी लाइफ में कुछ इम्पॉर्टेंट कंपाउंड हैं उनकी हम बात कर लेते हैं, कार्बन के कुछ कंपाउंड। तो सबसे पहला है बच्चों इथेनॉल, इथेनॉल मतलब कि C2H5OH, ओके। बच्चों ये इथेनॉल जो होता है ये शराब का प्राइम कंटेंट है, लिक्वर जो होती है शराब उसका ये प्राइम कंटेंट है। मगर ये याद रखिएगा कि शराब में केवल इथेनॉल प्योर 100% नहीं रहता है, क्योंकि 100% इथेनॉल जो पिएगा वो वैसे ही मर जाएगा, ठीक ना। तो शराब जो होती वेरी करती है, तो शराब में 1% से लेकर के कुछ ज़्यादा, मतलब कि लगभग मान लीजिए 20% के आसपास तक इथेनॉल को मिलाया जाता है, इसके अलावा जो रहता है उसमें इथेनॉल नहीं रहता है, ओके। तो शराब में 1% से लेकर के 20% इथेनॉल मिलाई जाती है, 100% इथेनॉल नहीं होती है शराब। चलिए तो बात करते हैं इथेनॉल, पढ़िए बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज। Physical properties. Physical state. Ethanol is a colorless liquid having a pleasant smell. Boiling point. Ethanol is volatile liquid having boiling point 78 degrees Celsius. Solubility in water. Ethanol is soluble in water in all proportions. That is why it is the main component of alcoholic drinks and known as alcohol. यस तो मजे की बात क्या है बच्चों, जो एथेनॉल है वो वॉलेटाइल लिक्विड है, मतलब भाप बन के उड़ जाएगा। और याद रखिएगा कि पानी को आप गर्म करेंगे तो उबलने के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड का टाइम लगेगा, मगर यदि एथेनॉल को आप गर्म करेंगे तो ये 78 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही भाप बनने लगेगी, ओके। मतलब ये कम टेम्परेचर, मतलब ये कम गर्म होने पर भी भाप बन जाएगी, ओके। एथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 78 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ करता है। अब पढ़ते हैं हार्मफुल इफेक्ट ऑफ इथेनॉल। तो सभी लोग जानते हैं कि हार्मफुल इफेक्ट इथेनॉल के बहुत सारे हैं, हमारी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को, खाना पचाने की शक्ति को कम करता है, नर्वस सिस्टम को ठप कर देता है, कोऑर्डिनेशन सिस्टम को भी ठप कर देता है, और प्योर इथेनॉल जो होता है वो तो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है ना, उससे डेथ भी हो जाती है। पढ़िए स्वास्थ्य, कंजम्पशन। Consumption of alcohol is not good for human health. It slows down the metabolic processes. It depresses the central nervous system. It causes lack of coordination, mental confusion, and drowsiness. It affects kidney and liver function. Note, pure ethanol known as absolute alcohol is very health hazardous. यस, ये बहुत हेल्थ हजार्डस होता है, इट इज़ वेरी वेरी हेल्थ हजार्डस, ओके। सो नेक्स्ट बात करते हैं मेथनॉल की। बच्चों आपने सुना होगा पेपर में कभी खबरें आती हैं कि जहरीली शराब पीने से इतने लोगों की मौत। सो ये जहरीली शराब ही होती है बच्चों, जिसका नाम है मेथनॉल और इसका फॉर्मूला होता है CH3OH। यस, इसे मेथनॉल कहते हैं IUPAC नेम में, और इसे जनरली हम बोलते हैं इसका सिंपल नेम है मेथिल एल्कोहल, ओके।
तो ये मेथिल अल्कोहल हुआ करता है, ये भी कलरलेस लिक्विड है। अगर शराब बनाने में गलती हो जाती है तो कई बार ये बन जाता है, और ये जो बनता है इससे सीधे लोग डेथ हो जाते हैं, अंधे भी होते हैं, ब्लाइंडनेस आ जाती है, या इसको पीने से लोग जो होते हैं डेथ हो जाते हैं, है ना। और स्वाद और खुशबू के मामले में बिल्कुल ये एथेनॉल के जैसे होता है, तो पीने वालों को पता बिल्कुल नहीं चल पाता है कि उन्होंने मेथेनॉल पी ली है या एथेनॉल पी ली है, ठीक है ना। बट मेथनॉल पीने के बाद वो बचते नहीं है। पढ़िए स्वास्थी, मेथनॉल। इट इज टू टाइप ऑफ एल्कोहल विच इज पॉइजनस इन नेचर. मेथनॉल इज कलरलेस वॉलेटाइल विथ अ डिस्टिंक्टिव ऑडर सिमिलर टू एथेनॉल. यस, पॉइजनस नेचर ऑफ मेथनॉल। पढ़िए। पॉइजनस नेचर ऑफ मेथेनॉल. मेथेनॉल इज पॉइजनस एज इट इज ऑक्सीडाइज टू मिथेनॉल इन लीवर विच रैपिडली रिएक्ट विथ प्रोटोप्लाज्म एंड कोगुलेट्स इट कोएगुलेट्स। लाइक कोगुलेट्स इट लाइक एग इज कोगुलेटेड इन बॉइलिंग. यस। तो देखिए यहाँ पे होता क्या है बच्चों, कि जैसे ही आप मेथनॉल का कोई पीता है तो CH3OH उसकी बॉडी में जाता है, और लीवर में जा करके बच्चों ये बन जाता है मेथनल। मेथनल मतलब एल्डिहाइड। ओके, ये मेथनल बन जाता है, एल्डिहाइड बन जाता है। ओके, एक सेकेंड, ये मेथनल है कि ये एथेनल है, CH3CHO। ओके, तो मुझे ये मेथनल नहीं लग रहा है, मुझे ये एथेनल लग रहा है। ओके, ये एथेनल लग रहा है, तो ये मेथनल नहीं है बच्चों, ये इथेनल है। ओके, क्योंकि मैंने बताया था आप लोग को दो कार्बन है, अल लगाना पड़ेगा, सो ये एथेनल है, तो ये एथेनल बन जाएगा। एथेनल की बेटा क्या होता है कि जो आपके ब्लड का लिक्विड जो पार्ट होता है ना, जो ब्लड पार्ट हुआ करता है, लिक्विड प्रेजेंट इन सेल्स, ब्लड को ये कोएगुलेट कर जाता है, मतलब खून का जो होता है थक्के बन जाते हैं, बड़े बड़े क्लॉट्स बन जाते हैं खून खून के। ओके, यस, रिएक्ट्स विद प्रोटोपॉन लिक्विड प्रेजेंट इन सेल्स एंड कोएगुलेटेड, ये प्रोटोप्लाज्म को कोएगुलेट कर देता है। ठीक उसी तरीके से जैसे बॉयल अंडा, मार्केट पहले अंडा रहता है, अंडा पहले अंदर लिक्विड रहता है, बट जैसे ही आप अंडे बॉयल करते हो तो ये लिक्विड नहीं रहता, अंदर का इसका पार्ट पूरा का पूरा सॉलिड बन जाता है, कोएगुलेट करके सॉलिड बन जाता है। ठीक ऐसे ही होता है, ये भी कोएगुलेट करके क्लॉट बना लेता है, जिसकी वजह से इंसान की मौत हो जाती है। पढ़िए, मेथनल डैमेजेस। Methanol damages optic nerve, causing permanent blindness in a person. एग्जैक्टली, यस। डीनेचर्ड अल्कोहल, ये बहुत काम में आया बच्चों, ये कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है कि डीनेचर्ड अल्कोहल क्या होता है। डीनेचर्ड मतलब नेचर्ड का मतलब प्राकृतिक, और डीनेचर्ड का मतलब प्राकृतिक मतलब नेचुरल है, उसके साथ कुछ खिलवाड़ कर दिया जाए। तो क्या होता है बच्चों, जो शराब की इंडस्ट्रीज होती हैं वहाँ पर बहुत सारी शराब बनती है, और कौन काम करता है, लेबर काम करते हैं, तो वहाँ पर जो लेबर काम किया करती है, ओके, वो कहीं शराब को चोरी ना करे, उसको ले ना जाए, ओके, उसको पीने ना लगे, तो इस खतरे से रोकने के लिए वो लोग क्या करते हैं कि जो शराब बना करती है उसमें ये लोग जो हैं मेथिल अल्कोहल मिला दिया करते हैं, CH3OH। ओके, अब ये मिलाएंगे, बोलेंगे सर ये मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसा मिलाने पर जो शराब होती है वो जहरीली हो जाती है। ओके, जहरीली शराब हो जाती है, और दूसरा क्या करते हैं, इसमें कॉपर सल्फेट मिला देते हैं ब्लू कलर का, तो कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल होते हैं वो ब्लू कलर के होते हैं, जिसकी वजह से शराब का कलर भी क्या होता है, चेंज हो जाता है, और ऐसे में धोखा नहीं होता है कि सही वाली शराब कौन है और गड़बड़ वाली शराब कौन है, जहरीली वाली शराब कौन है। भाई जिसमें ब्लू कलर आएगा वो जहरीली शराब होगी, और जो पानी कलर की शराब होगी वो अपनी बिल्कुल सही वाली शराब होगी, तो उनको छांटने में भी परेशानी नहीं होती है। तो ऐसा अल्कोहल जो हमने बदल दिया है, जिसके हमने चेंज कर दिए नेचर, ऐसे अल्कोहल को हम बोलेंगे डी नेचर्ड अल्कोहल। पढ़िए स्वास्थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसको हाँ इसमें जो फिर कॉपर सल्फेट वगैरह मिला है तो फिर इसको बेच भी देते होंगे. नहीं, इसको बेचते नहीं है बेटा डायरेक्टली। क्या है, जब इसको पैकिंग करने के लिए आते हैं तो इसको वापस हम लोग जो है इसका कॉपर सल्फेट रिमूव कर देते हैं, और इसका जो आपका ये जो CH3OH हुआ करता है इसको भी हटा लिया जाता है, ठीक ना, सेल करने के पहले। क्लियर, ओके सर. चलो पढ़ो। इट इज एथिल अल्कोहल।
डिनेचर्ड इट एल्कोहल, इज द इथिल इट इज द इथिल एल्कोहल व्हिच इज मेड अनफिट इज मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट्स ऑफ पॉइजनस मिथेनॉल कॉपर सल्फेट एक्सेट्रा समटाइम्स अ डाई इज यूज्ड is also added to give it a blue color. Exactly. तो ब्लू कलर की डाई जो होती है इसमें मिलाई जाती है इसको कलर देने के लिए. अब चलिए पढ़ते हैं बच्चों हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज. अब हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज एल्कोहल की. तो एल्कोहल की पहली प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे कम्बशन. पढ़िए एथेनॉल. एथेनॉल undergoes combustion giving carbon dioxide and water along with release of energy. C2H5OH plus oxygen gives carbon dioxide plus water and energy. As ethanol gives only carbon dioxide and water on combustion with no other gas, it is a cleaner fuel. हाँ, ये बहुत अच्छा. तो आजकल जो एथेनॉल है वो बहुत अच्छा फ्यूल का सब्स्टिट्यूट बन के आया है सामने, ठीक ना. एथेनॉल जो है फ्यूल बहुत बढ़िया एक फ्यूल का काम करता है, क्योंकि जब आप इसको बर्न करते हो तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर के अलावा ये कुछ भी नहीं देता है. मतलब जैसे आप कोयले को जलाओगे तो आपको क्या मिलेगी, राख मिलेगी जिसको ऐश बोलते हैं, है ना. कोई भी अदर फ्यूल को जलाओगे सॉलिड फ्यूल को तो वो आपको कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट देगा, बचा हुआ कुछ कुछ रेसिड्यू आपको देगा जो बचा हुआ रहेगा. मतलब उनको हम क्लीन फ्यूल नहीं बोल सकते हैं, मगर जो एथेनॉल है वो बिल्कुल क्लीन फ्यूल है. ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर के अलावा आपको कुछ भी नहीं देता है, इसलिए ये क्लीन फ्यूल है. अगली रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन विद मेटल. ऊपर वाली रिएक्शन नोट कर लें, एथेनॉल की ऑक्सीजेशन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है. तो क्या बनेगा, एथेनॉल को अगर आप कम्बशन करोगे बर्न करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी आपको मिलेगी. जब आप लोग अभी लैब में जब आप लोग क्लास 11th और 12th में एक्सपेरिमेंट करेंगे तो क्या होता है कि स्कूल्स में जहाँ पर गैस कनेक्शन नहीं होते हैं, एलपीजी गैस सिलेंडर उपलब्ध नहीं होता है, वहाँ पर एथेनॉल को ही भर करके एक्सपेरिमेंट वगैरह करवाए जाते हैं. चलिए अगला रिएक्शन विद मेटल पढ़ो बेटा, रिएक्शन विद एथेनॉल. रिएक्शन ऑफ एथेनॉल विद मेटल शोज इट इट्स एसिडिक नेचर. एथेनॉल प्लस मेटल्स gives hydrogen plus metal salt. Ethanol plus sodium gives sodium ethoxide plus hydrogen. हाँ देखिए आपको पता होगा कि यहाँ पर रिएक्शन ऑफ एथेनॉल विद मेटल शोड द एसिडिक नेचर. आपको पता होगा कि मेटल की एक प्रोसेस मैंने आपको पढ़ाई थी जब मैं आपको मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ा रहा था, कि बेटा जो मेटल होता है मेटल की एक प्रॉपर्टी होती कि मेटल जो होता है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस लीव करता है. यस, तो सेम यहाँ पर भी यही काम करेगा. मेथनॉल बिल्कुल एज अ एसिड के जैसे बिहेव करेगा, सॉरी इथेनॉल, मैं मेथनॉल बोल गया, इथेनॉल एज अ एसिड के जैसे बिहेव करेगा. तो अगर आप किसी एल्कोहल की मेटल के साथ लड़ाई कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीव हो जाएगी और मेटेलिक सॉल्ट बचेगा. जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए यहाँ पे 2C2H5OH plus 2Na that is equals to C2H5ONa plus H2. यहाँ पर इसके दो मॉलिक्यूल बनेंगे, सेट कर लीजिए तो हाइड्रोजन जो गैस है रिलीज हो गई. आ गया समझ में बच्चों? क्लियर है कि नहीं है? यस सर. ओके, तो अब ये हो गई मेथेनॉल के साथ या एथेनॉल के साथ सोडियम की मेटल की रिएक्शन. समर्थ क्लियर? समर्थ क्लास में हुआ भाई, रिप्लाई करिए. हो गया, यस. चलिए अब देखते हैं रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड. H2SO4 के साथ अगर आप रिएक्शन करेंगे, बच्चों याद रखिए H2SO4 एक बहुत बढ़िया डिहाइड्रेटिंग एजेंट है. मतलब पानी को सुखा देता है, पानी को भगा देता है, पानी निकाल देता है. तो आप ये समझिए कि C2H5OH H5OH के ऊपर अगर आप H2SO4 डाल दोगे तो पानी निकल जाएगा. पानी मतलब कितना, H2O. तो दो हाइड्रोजन, आप एक ये हाइड्रोजन निकालो, एक यहाँ से हाइड्रोजन निकालो और एक ऑक्सीजन निकालो. तो ऑक्सीजन तो पूरा चला गया, ये वाला हाइड्रोजन पूरा चला गया, इससे एक हाइड्रोजन चला गया तो क्या बन गया, C2H4. और C2H4 को हम लोग क्या बोलते हैं, ईथीन. C2H4 क्या कहलाता है, ईथीन. यस, तो ये इथीन बनाएगा. इसका फायदा क्या है,
इस रिएक्शन से आप जो है एल्कोहल से क्या बना सकते हैं, एल्कीन, या एथेनॉल से इथीन बना सकते हैं, बिकॉज कंसेंट्रेट H2SO4 कैसा एजेंट है, एक बहुत ही अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है जो पानी को खींच लेता है। पढ़िए स्वास्थी, व्हेन एथेनॉल When ethanol is heated with concentrated sulfuric acid, ethene is collected over water. This is called dehydration of alcohol. एग्जैक्टली C2H5OH पढ़ो। with concentrated sulfuric acid at 443 Kelvin gives ethene plus water. Here, concentrated H2SO4 is acting as a dehydrating agent. चलिए बहुत अच्छे, तो ये हो गया। इस तरीके से H2SO4 को हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोलते हैं। अब बात करते हैं यूसेस ऑफ एथेनॉल की। एथेनॉल बहुत काम की चीज़ है बच्चों, लिकर के अलावा भी एथेनॉल का बहुत सारा यूज़ किया जाता है। चलिए पढ़ो बेटा एथेनॉल का यूज़। Uses of ethanol. Used as a solvent, many organic compounds which are insoluble in water and soluble in ethanol. It is used as a fuel in cars along with petrol. This mixture of alcohol and petrol is known as power alcohol. It is all used in alcoholic drinks like whiskey, beer, etc. It is used in as an antiseptic to sterilize wands and syringes in hospitals. ओके, तो देखिए ये जो आपके एंटीसेप्टिक कहना चाहिए, आपके जो डेटॉल आता है, जो सेवेलॉन आता है, और जितने ये सॉल्यूशंस आते हैं, इनमें एथेनॉल का यूज किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं बच्चों इथेनोइक एसिड। तो इथेनोइक एसिड क्या होता है? इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला आप लोग जान चुके हैं, मैं बता चुका हूँ, CH3COOH। मैंने बताया था इसमें जो लगता है ग्रुप उसका नाम होता है ओइक एसिड। तो इथेन का ई हटा करके आप ओइक एसिड जोड़ देंगे और वो बन जाएगा इथेनोइक एसिड। और इसका जो आपका कॉमर्शियल नेम है, जिस नाम से ये बाज़ारों में बिकता है, उसका नाम है कॉमर्शियल नेम, इसका जो सॉरी इसका सिंपल नेम है बच्चों एसिटिक एसिड। इसका सिंपल नाम है एसिटिक एसिड और इसका कॉमर्शियल नेम होता है विनेगर। बाजारों में ये विनेगर के नाम से बिकता है, बट ये याद रखिएगा बच्चों कि 100% जो एसिड होता है वो विनेगर नहीं होता है। समझ गए? 100% एसिडिक एसिड विनेगर नहीं होता है। 100% एसिडिक एसिड विनेगर नहीं होगा, केवल 5 to 8% एक्वस सोल्यूशन ही एसिड का जो बनेगा वो विनेगर बनेगा। मतलब अगर आपके पास जो है 100 बूंदें पानी की हैं, ओके, 95 बूंद आपके पास वाटर की हैं, तो 5 बूंद अगर आपके पास एसिड हैं तो ही ये विनेगर कहलाएगा। यस, तो विनेगर में अगर 95 बूंद ड्रॉप्स पानी की हैं तो 5 बूंद किसकी होंगी? वाटर की। तब 100 बूंद होंगी, उसमें से 5 जो होंगी वाटर की होंगी, तब 5% यानी कि 100 में से 5 बूंदें एसिड की और बाकी 95 बूंदें वाटर की, तो तब बनेगा आपका विनेगर। तो विनेगर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता है, इसमें जो इसकी परसेंटेज कंसंट्रेशन होती है वो बहुत कम होती है। ठीक है ना? चलो पढ़ो स्वास्थी, इथेनोइक एसिड, इट इज कॉल्ड एसिडिक एसिड, ये मैंने पढ़ दिया, आगे पढ़िए बेटा। इट इज Vinegar is 5 to 8% aqueous solution of acetic acid, making acetic acid the main compound of vinegar apart from water. यस, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़िए बेटा। Physical properties. It is a sour, colorless liquid having smell of vinegar. Its boiling point is 118 degrees Celsius. When pure ethanol is cooled, it freezes to give a solid which looks like a glacier, due to which it is known as ग्लासियल एसिटिक एसिड. हाँ जी बच्चों, अगर इस समय पे अगर एसिटिक एसिड की बॉटल लेने के लिए मार्केट में जाएंगे तो आपको देखिए पता होना चाहिए, अगर आपने कभी खरीदी हो बच्चों, जो एसिडिक एसिड का फ्रीजिंग पॉइंट होता है लगभग बच्चों 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास हुआ करता है। आई थिंक, मुझे करेक्टली याद नहीं है, मगर 30-32 के आसपास हुआ करता है। तो इस समय जो अपने एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो जाता है दिन के टाइम में, ठंड के समय में 22 है, 23 है, 24 है, 28 है, 28 है। तो अगर आप ठंड के समय में
जब गर्मी नहीं है बहुत जोरों की, उस समय अगर आप एसिटिक एसिड खरीदने जाएंगे बच्चों, आपको ये बिल्कुल बॉटल में ठंडा जमा हुआ मिलेगा, और घर ला करके आपको इसको गर्म करके पिघलाना पड़ेगा अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो ये एसिडिक एसिड जो होता है इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो 30 के आसपास हुआ करता है, और नॉर्मल 30 की वेदर 30 से कम ही होता है ठंड के समय में, इसलिए ये जो होता है जम जाता है। बट गर्मी के समय में जब टेम्परेचर 35 के ऊपर रहता है तब आपको ये बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में मिलता है। यस, इसका बॉइलिंग पॉइंट 118 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, मतलब इसको उबालने के लिए, बॉयल करने के लिए आपको पानी से ज़्यादा बॉयल करना पड़ेगा। पढ़िए, व्हेन प्योर एथेनॉल इज कोल्ड, ये तो When पढ़ pure लिए। ethanol is cool. हाँ पढ़ दो। When chemical properties से पढ़ना. हाँ पढ़ दीजिए, केमिकल प्रॉपर्टीज से। Chemical properties, action on litmus. It converts blue litmus paper into red. Acetic acid is organic acid. That's why it is always weak in nature. Whereas hydrochloric acid is a strong acid. बिल्कुल सही, ये एक ऑर्गेनिक एसिड है क्योंकि ऑर्गन्स में हम लोग खाते पीते हैं इसको, इसलिए वीक एसिड में होता है। अब बात करते हैं बच्चों अल्कोहल के साथ एसिड की रिएक्शन। तो अल्कोहल एसिड के साथ रिएक्शन करके एक बहुत ही धमाकेदार, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट बनाता है जिसको हम बोलते हैं एस्टर। तो ये अपने पास क्या है, एसिड है, और ये अपने पास है अल्कोहल। तो होता क्या है, यहाँ का हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा और यहाँ का ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, और H2O रिलीज हो करके बाकी के पार्ट को जोड़ दीजिए तो ये बन जाएगा CH3COOH C2H5, इसको बोलते हैं एस्टर। यस, तो जितने भी सर ये आजकल, एसेंस बनाने हाँ में यूज होते हैं ना? एग्जैक्टली बेटा, एसेंस जितने भी आपकी ये जो टॉफियाँ आती हैं या जेली आती हैं जो अच्छी अच्छी आपको लगती हैं, कच्चा मैंगो, मैंगो बाइट है ना, जेली बेली, जितनी आपकी ये अच्छी वाली आपकी एसेंस वाली फ्लेवर वाली जो आती हैं है ना चीज़ें, रसना, तो ये सब किससे बनता है बच्चों, ये एस्टर से बनता है। इसमें अलग अलग फ्लेवर डेवलप किए जा सकते हैं। पढ़िए बेटा, व्हेन एसिटिक एसिड, When acetic acid reacts with ethanol in the presence of an acid as a catalyst, ester ethyl ethanoate is produced. यस, CH3. हाँ CH3COOC2H5, इसका नाम देखिए, ये वाला पार्ट पहले पड़ जाता है कोने वाला, तो ये पार्ट है एथिल, और इसके बाद एक और दो कार्बन कितने हो गए, दो दो कार्बन का हो गया कितना, इथेन। तो इथेन में नाम लिखने के लिए एस्टर का ई हटा करके एस्टर के लिए O8 जोड़ा जाता है, OATE। तो बच्चों इसका नाम बन जाएगा इथाइल इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट इसका नाम है। यस, और ये प्रोसेस जो होती है जिससे हम एस्टर बनाते हैं इसको हम बोलते हैं एस्टरीफिकेशन। पढ़िए, सिंस एस्टर, Since ester is formed in this process, the reaction is also known as esterification. If ester again reacts with water in presence of acid, acetic acid and ethanol is produced. एग्जैक्टली, Ester are sweet सुनिए, smelling हाँ compounds. Therefore, these are used in making perfume. एग्जैक्टली, परफ्यूम बनाने के लिए इनका इस्तेमाल होता है। अगर आप एस्टर में वापस यदि H2SO4 मिला देंगे प्रेजेंस में, तो ये रिएक्शन बैक साइड हो जाएगी और वापस आपके ये दोनों कंपाउंड बन जाएंगे। समझ में आया बच्चों? यस सर. ओके, यस. हाँ जी, तो ये कंपाउंड आपके बन जाएंगे। अब पढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन विद बेस। बेस के साथ कौन सी रिएक्शन होती है हम वो देखेंगे कि बेस के साथ कैसी रिएक्शन हुआ करती है। ओके, एल्कोहल एसिडिक एसिड की, तो बच्चों वेरी सिंपल है यार, एसिड बेस के साथ लड़ेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर। तो यहाँ पे सॉल्ट एंड वाटर बना करके छोड़ दीजिए। पढ़िए स्वस्ति। Acetic acid, when reacts with sodium hydroxide, a sodium acetate, a salt, and water is formed. Acetic acid plus base gives sodium acetate and water. This is an example of an acid-base neutralization reaction in which an acid and a base react to produce water plus a salt, that is acetic acid. यस एग्जैक्टली, तो ये चीज़ें प्रोड्यूस होंगी बेटा, एसिटिक एसिड नहीं है, सोडियम एसिटेट बना है लास्ट में, सोडियम एसिटेट दैट इज सॉल्ट। ओके, यस एसिड प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट एंड वाटर, सोडियम एसिटेट। यस, इसका नाम है सोडियम एसिटेट। अब बात करते हैं रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। तो बिल्कुल वैसे ही रिएक्शन है, आपको पता होगा कि अगर किसी एसिड को आप कार्बोनेट के साथ भिड़ाते थे तो क्या मिलता था,
कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, बिल्कुल एसिड एंड बेस वाली रिएक्शन है वही की वही। और अगर आप बाइकार्बोनेट के साथ भी भिड़ाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो पहले भी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिल रहा था एसिड बेस चैप्टर में, यहाँ भी आप कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलेगा, बिकॉज आप किसको ट्रीट कर रहे हैं, यहाँ पर आप एसिड को ट्रीट कर रहे हैं। पढ़ो भाई, कौन पढ़ेगा इस बार, समर्थ पढ़िए। व्हेन सोडियम कार्बोनेट, वन सोडियम कार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट विद एसेटिक एसिड सोडियम एसिटेट CH3 CO Na NH2O एंड CO2 इज रिलीज्ड। यस, सर रिएक्शन भी पढ़ो। हाँ रिएक्शन ऐसे पढ़ दो बेटा कि सोडियम कार्बोनेट प्लस एसिटिक एसिड इक्वल टू क्या बन गया, सोडियम एसिटेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। बोलो, डन, समझ में आया? हाँ सर। यस, तो एसिड प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट एंड वाटर वाली प्रोसेस जो होती थी, वहीं पर हमने पढ़ा था कि कभी भी सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो क्या बनता है, उसका सॉल्ट बनता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है झाग के साथ निकलती है, सो इसको बोलते हैं ब्रिस्क एफरवेसेंस। चलिए अगली रिएक्शन मैं पढ़ देता हूँ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, अगर इसके साथ आप एसिड की रिएक्शन कराएंगे तो अगेन आपका बनेगा सोडियम एसिटेट सॉल्ट बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बोलिए क्लियर है कि नहीं है, क्लियर? क्लियर सर। ओके, यस, समर्थ पढ़िए। कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेन पार्ट, मेन प्रोडक्ट। समर्थ पढ़िए। हाँ सर पढ़ रहा हूँ, वो वाईफाई ले रहा था। ओके, इट इज रिलीज्ड विद अ ब्रिज एफर एक मिनट, यहाँ एफरसेंस स्टार्ट से पढ़िए। CO2 इज द मेन प्रोडक्ट, CO2 इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन एफरवेसेंस, एफरवेसेंस, यस। तो देखिए ये ब्रिस्क एफरवेसेंस मतलब कि बुलबुलों के साथ, सुरसुराहट के साथ जो होता है, ये आपकी जो होती है ये निकला करती है गैस, ठीक है। समर्थ आपकी आवाज़ बहुत कट के आ रही थी, इसलिए स्वास्थी को मैं बोलूँगा कंटिन्यू करें। यूजेस ऑफ CH3CWH मतलब कि एसिटिक एसिड का यूज़ क्या है बच्चों, चाउमीन बनाने में इस्तेमाल होता है, आप लोग खाते हैं चाउमीन में यूज़ हुआ करता है ये, और आजकल पिकल्स रखे जाते हैं, मुरब्बे रखे जाते हैं, जब आप होटल्स में जाते हैं खाना खाने के लिए तो जब आपको वो ऑनियन देते हैं, जब वो कटी हुई प्याज देते हैं, तो ध्यान दिया होगा आपने, वो उसको डिप करके दिया करते हैं किसमें, एसिटिक एसिड में, विनेगर में, जिससे कि उनमें बदबू ना आए। अगर आप प्याज को खुला छोड़ देंगे तो शाम तक या 2-3 घंटे में बहुत जोर की बदबू मारती है, इसलिए वो लोग जो होते हैं जितने भी फूड होते हैं उनके, तो उनको प्रिजर्व करने के लिए उसको विनेगर में डुबा करके रखते हैं, वो जो पिकल्स वगैरह बनाते हैं वो। हाँ पता है ये बात आप लोग को? सर पास का तो नहीं पता। ओके ओके, नहीं आपने महसूस तो किया होगा ना, होटल वगैरह रेस्टोरेंट वगैरह में प्याज जो होती है, ओनियन होती है, उसको वो लोग उसमें डिप करके रखते हैं, देखा तो होगा आप लोगों ने, नहीं तो वो बदबू मारने लगती है ना। सर देखा नहीं बट उसमें स्मेल नहीं आती है हाँ, ज्यादा। स्मेल नहीं आती है, अब देखिएगा उसमें, अगर उसको टेस्ट भी करेंगे तो समझ में आ जाता है कि ये कुछ खट्टा खट्टा सा इसमें था, वो उसका आपका CH3COH भी होता है। पढ़िए बेटा यूज़ स्वास्थ्य। इट इज यूज इन फॉर्म ऑफ विनेगर एज अ प्रिजर्वेटिव फॉर फूड एंड पिकल्स यूज टू फॉर्म एस्टर विच आर यूज इन परफ्यूम्स एंड सेंट्स। यस, तो ये एस्टर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, यूज टू फॉर्म एस्टर, और एस्टर का यूज़ आप जानते हैं परफ्यूम एंड सेंट के लिए इस्तेमाल होता है। तो कल हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक कंप्लीट करेंगे जिसका नाम है सोप एंड डिटर्जेंट। एक बार आप लोग सोप एंड डिटर्जेंट की रीडिंग करके लेके आइएगा, होमवर्क नोट करिए बच्चों, अब आपको क्या क्या करना है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में आपको जो है नंबर 1 पार्ट है, आपको रीडिंग करनी है इस चैप्टर की बुक की। तो पहला पार्ट है आपको ये जो चैप्टर है, और इसमें हाँ ये कर सकते हैं आपकी, क्योंकि एग्ज़ाम में कम आ रहा है तो थोड़ा सा जितना पार्ट आपको एग्ज़ाम में आएगा उतना पार्ट रीड कर लीजिएगा, बट पहला है आपका काम चैप्टर रीडिंग। यस सर। दूसरा काम आपको जो मैं दे रहा हूँ बच्चों, वो है आपका इन टेक्स्ट के क्वेश्चन आपको करके लाने हैं, इन टेक्स्ट एक्सरसाइज आपको करके दिखानी है, और जो तीसरा क्वेश्चन है वो आपको करनी है टेक्स्ट एक्सरसाइज। तो आपको इन टेक्स्ट करनी है, टेक्स्ट करनी है, और सारी एक्सरसाइज आपको करके
करके लेकर के आनी है, ये तीनों काम करने हैं। एंड टेस्ट पेपर आज मैं इसका जो आपका बोर्ड्स का है, जिस लेवल का पेपर ऑब्जेक्टिव आपको आने हैं वो क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगा, तो आप जो हैं उसको करके लेके आइए, ठीक है, उसको टेस्ट पेपर को करके भेज दीजिएगा। चलिए, थैंक यू बच्चों, बाय बाय। यस सर। ओके, कुछ पूछना तो नहीं आप लोगों को? थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड नाइट बच्चों। गुड नाइट सर। गुड नाइट बेटा। नो सर। ओके।